लिटिल एमी को हंस के अंडे का घोंसला मिला और आसपास के क्षेत्र को मनुष्यों द्वारा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया जा रहा था। जंगली हंसों का झुंड मर जाता है और कुछ छिप जाते हैं। एमी को एक कैनवास बैग मिला और उसने हंस के सारे अंडे सावधानी से अंदर डाल दिए और वो उन सभी को गले लगाकर घर ले गई। तले हुए अंडे बनाने के लिए इन अंडों को नहीं लाया जाता। एमी ने अंडों को अपने कपड़ों से ढक लिया और फिर अंडे धीरे से अलमारी में रख दिए। जब उसके पिताजी काम में व्यस्त थे, एमी ने चुपके से अपना चिराग उठा लिया और उसे जला लिया, फिर इसे कैबिनेट के नीचे रख दिया और फिर एक साधारण अंडे के इंक्यूबेटर का जन्म हुआ। उसकी मुस्कान को देखकर मुझे शक हुआ कि यह लड़की भुना हुआ हंस खाना चाहती है। अगले दिन जब एमी पढ़ रही थी तो हंस के बच्चे ने आखिरकार अपना खोल तोड़ दिया और बाहर आ गया। रात में जब पूरा परिवार ध्यान नहीं दे रहा था तो एमी चुपके से गोदाम की तरफ भागी और कैबिनेट खोलकर प्यारा सा जीवन देखा। एमी उन्हें खिलाने के लिए अधिक उत्सुक हो गई। एमी के लापता होने के बारे में परिवार को तुरंत पता चल गया तो वो उसे खोजने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने आखिरकार उसे गोदाम में अच्छी तरह से सोते हुए पाया। उसके बगल में कलहंस का एक झुंड है जो अभी अभी निकला है। पिताजी ने छोटी बच्ची को कंबल से ढक दिया और जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन गलती से एमी जाग गई। छोटी बच्ची अपने पिता की ओर आशा से देखती है कि मैं उन्हें पालना चाहती हूँ। एक पिता के रूप में वो दिल से कैसे मना कर सकता था। अगली सुबह एमी उन सभी को घर ले गई और उन्हें खिलाने लगी। उसके पिता नीचे चले गए एमी स्कूल जाने से पहले। उसके पापा को बताना नहीं भूली कि हर 2 घंटे में एक बार उन्हें खिलना है। पिता ने मेज पर उनकी ओर देखा और बस बेबसी से सहमत हो गए। एक नन्ही चिड़िया को उसकी दाढ़ी से अच्छी लगी। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो वो पशु प्रबंधन विभाग को खोजने गया। स्थिति स्पष्ट करने के बाद पुलिस ने भी उसे रवैया दिखाया। उसने कहा कि वो कुछ दिनों में इसे देखने आएगा। एमी और नन्हा कलहंस करीब और करीब आ रहे थे। वो उसे अपनी माँ मानते थे। वो छोटी लड़की के पीछे दौड़ने लगे। दो नन्हे पैर उड़ने की तरह तेज दौड़ रहे थे और एक मूर्ख बच्चा भी था जो पीछे रह गया था। लड़की ने उनका नेतृत्व किया और खेलने के लिए मैदान में गीस का झुंड उसके पीछे चहक रहा था। पिता को अत्यंत आश्चर्य का अनुभव हुआ कि शाम होते ही पशु नियंत्रण विभाग के लोग घर आ जाते हैं और कहा कि गीस पालना अवैध है। यदि आप उन्हें पालना चाहते हैं तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी और उन्हें इधर उधर उड़ने न दें। इतना कहते ही उसने एक नेल क्लिपर निकाला और हंस को पकड़ा और उसके पंख को फैलाने लगा। वो नाखून कतरनी का उपयोग छोटे हंस के पंख काटने के लिए करने जा रहा था। सौभाग्य से एमी समय रहते इसे रोकने में सफल रही। उसके पिता ने सीधे उसे बाहर खींच लिया। एमी ने भी जल्दी से छोटे हंस को गले लगा लिया और वह बाथरूम में छिप गए। पुलिसकर्मी दरवाजे के बाहर खड़ा समझाता रहा, लेकिन फिर एमी के पिता ने उसे बाहर निकाल दिया। फिर वह स्नानागार के सामने आया और अपनी बेटी से धैर्यपूर्वक क्षमा मांगने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। वो मान गया कि वो छोटे हंस को चोट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन एमी ने फिर भी दरवाजा नहीं खोला। रात में नन्हे गीस सिंक में खेलने लगे और एमी नहाने में सो गई। वहाँ एक छोटा हंस भी है जो टॉयलेट सीट पर कूद गया, एक शानदार छलांग लगाए। गीस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। एमी उन्हें हर रोज घास के मैदान के चारों ओर दौड़ना लाती है। उसके पिता भी आजाद नहीं हैं। उन्होंने गीस की शारीरिक संरचना का अध्ययन किया और उनकी उड़ान तंत्र का भी और एक हल्के विमान का आविष्कार किया। बहुत जल्द वो परीक्षण उड़ान भरने वाला था। उसने इसे हवा में उड़ने के लिए नियंत्रित किया और बहुत ऊंची उड़ान सफल हुई, लेकिन यह लोगों को पसीने से तर कर देता है। उतरते समय यह थोड़ा थका देने वाला होता है, फिर भी पूरे सिर को जमीन में गाड़ दिया। छोटा हंस बड़ा हो रहा था। एमी के पिता के विमान में फिर से सुधार हुआ और न केवल उसमें बैठ सकते थे और पहिए भी जोड़े गए और वो सफल उड़ना भरते हैं। शाम को वो अपनी बेटी से मिलते हैं, उसे अपनी सोच बताते हैं। वो गीस का नेतृत्व करने के लिए विमान का उपयोग करना चाहता है और उन्हें उनकी प्रवृत्ति का पालन चाहता है, लेकिन एमी उन्हें अपने पास रखना चाहती है, लेकिन तब गीस के पंख कट जाएंगे। लड़की को मानना, एमी के पिता हर रोज हवाई जहाज बनाने का दिखावा करते हैं। गीस को उसे जानने देने के लिए इधर उधर उड़ते हैं पर हर बार फेल हो जाते हैं। लड़की को अपने पिता के कपड़े पहनने पड़े गीस को पीछे चलाने के लिए, फिर उसे उसके पिता को दे दिए। वो इस बार सफल रहे। गीस पिता के पीछे दौड़ता है और पिताजी को माँ बनने की खुशी महसूस होती है। पिता और पुत्री के बीच के संबंध भी और मधुर हो गए। उसके बाद एमी के पापा ने मॉडल प्लेन बनाया और गीस को पीछे अभ्यास कराने लगे। फिर उन्होंने ध्वनि बनाने के लिए स्पीकर का उपयोग किया। उन्हें इंजन की आवाज़ की आदत डाली और प्रशिक्षण सफल हुआ। छोटा हंस अब बड़ा हो गया, लेकिन जब एमी के पापा प्लेन उड़ाते हैं तो आसमान तक कोई हंस नहीं उड़ता। बहुत बार कोशिश करने के बाद उनके पिछले सभी प्रयास बेकार हुए। एमी सोचती है कि शायद यह उसकी वजह से है और वो छिप गई, लेकिन जल्द ही गीज ने उसे ढूंढ लिया। निश्चित रूप से गीज ने एमी का पीछा किया। जब पिता हारा हुआ महसूस कर रहा था तो फिर एमी ने गुपचुप तरीके से प्लेन शुरू किया। जैसी कि उम्मीद थी, हंस उसी समय उसके पीछे पीछे उड़ गए।
लेकिन एमी को पता नहीं है कि प्लेन कैसे उड़ाया जाता है। जल्द ही वह नीचे गिर गई। एमी के पिता जल्दी से जांच करने के लिए दौड़े, और अच्छा है बच्ची को चोट नहीं आई। भले ही प्लेन फेल हो गया, लेकिन यह भी साबित हो गया कि यह तरीका काम करता है। उस रात एमी के पिता ने एक और विमान बनाने का फैसला किया। पिता बहुत दृढ़ निश्चयी थे। उसने अपनी बेटी को हवाई जहाज उड़ाना सिखाना सिर्फ इसलिए कि वो कुछ कलहंस को पलायन की ओर ले जाना चाहता था। इसके अलावा कोई भी कभी सफल नहीं हुआ था। गीज एमी को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, फिर तुरंत पिंजरा खोलकर बाहर निकलते हैं और तुरंत उड़ते हैं। साथ में वो हवा में उड़ते हैं, मैदान के ऊपर से उड़ान भरने के लिए एक लाइन बनाते हैं, और सब कुछ बहुत सुविधाजनक है। वो एक परित्यक्त प्रकृति आरक्षित पाते हैं, लेकिन यहाँ डेवलपर्स का कब्जा था। यदि 1 नवंबर को प्रवासी पक्षी नहीं थे, फिर वे निर्माण शुरू करेंगे। इससे उन्हें उम्मीद है कि 300 किलोमीटर मार्ग है, वो पहले ही मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं। वो 22वें दिन शुरू होंगे। जाने से पहले गीस को प्रशिक्षित करना जारी रखा गया, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान एक हंस लड़की के विमान से टकराया और फिर नीचे जंगल में गिर गया। एमी बाकी कलहंस को पहले घर ले गई, फिर शाम को जंगल में खोज के लिए चली गई। लेकिन पशु नियंत्रण विभाग के लोगों ने उस समय का फायदा उठाया जब वो घर पर नहीं थे, और सभी हंसों को पकड़ किया। एमी को घायल हंस मिली, लेकिन जब वो घर पहुंची, खाली पिंजरे देखे, गीज भी बंद थे पशु प्रबंधन विभाग के सामने। लेकिन योजना अभी भी जारी थी। कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश की और दूसरे व्यक्ति ने गीज को रिहा किया। एमी ने प्लेन उड़ाया और उन्होंने तुरंत उसका पीछा किया। अब इसे कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन इमिग्रेशन रोड से वो अनुकूल नहीं थे। सूरज ढलने से पहले उन्हें 120 किलोमीटर उड़ना था। क्रॉसिंग लेक ओंटारियो शहर के ऊपर उड़ते हुए जल्द ही अंधेरा हो रहा था, और उन्हें अंधेरा होने से पहले उतरने के लिए जगह ढूंढनी थी। इस समय झील पर सैन्य आधार विभाग उन्हें खोज रहा था, और साथ ही पूरे गार्ड फोर्स को सक्रिय किया। वो ऐसे उतरे। इसके बाद उन्हें मौके पर ही रोक दिया गया, लेकिन गीज ने सैनिकों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया और उनके साथ एक स्मारिका तस्वीर भी ली। ठीक वैसे ही पिता और पुत्री कलहंस ले आए सैन्य अड्डे से बाहर। पत्रकारों को उनके बारे में जल्दी पता चल गया। इसके लिए धन्यवाद, उन्हें समाज का ध्यान मिला। उनकी यात्रा के दौरान वो प्राकृतिक सुंदरता का भी भरपूर आनंद लेते हैं। जल्द ही उन्हें जंगली हंसों का झुंड मिल गया और गीज भी उनके साथ उड़ गए। लड़की ने नदी के किनारे शिकारियों की भी खोज की। जब उन्होंने अपनी बंदूकों से गीज पर निशाना लगाया, लड़की ने इसे रोकने के लिए विमान को उड़ाया। वो यहाँ आराम करने के लिए उतरे। एक बूढ़ी औरत उनकी कहानी जानती थी, इसलिए वो उन्हें आराम करने के लिए जगह देने में मदद करती है। अगले दिन उसने फिर से हंसों को बुलाया और वो फिर से चल पड़े, लेकिन लंबे समय तक नहीं। उनके सामने कोहरे की एक परत दिखाई दी। वे लगभग इमारत से टकरा गए। सौभाग्य से वो बच गए। और रिजर्व में पक्षी प्रेमी साथ ही डेवलपर्स का पुरजोर विरोध करने लगे। अब वे अपनी मंजिल से दूर थे, केवल लगभग 20 किलोमीटर। तो पिता के विमान में अचानक दिक्कत आ गई और वो सीधे मैदान में गिरे। लड़की तुरंत देखने के लिए उतरी। सौभाग्य से पिता का केवल हाथ टूटा था, लेकिन बाकी रास्ता केवल एमी रह गई। छोटी लड़की छोटे शहर के ऊपर से उड़ी। कस्बे के लोगों ने उत्साह से बच्ची को रास्ता दिखाया। पूरी यात्रा का नज़ारा वाकई मनमोहक था। ऐसे समय में जब हर कोई इंतजार कर रहा था, एमी ने गीज को गंतव्य तक पहुंचाया। सभी ने अपने आप छोटी बच्ची के उतरने का रास्ता बना लिया। प्रकृति आरक्षित का उपयोग करने का अवसर खो गया था। गीज एक एक करके झील में उतरे। यह उनका नया घर था। फिल्म पूरी तरह से सच्ची कहानी पर आधारित है। हम अन्य जानवरों के बिना इसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे कि पृथ्वी कैसी होगी। मैं भी वास्तव में आशा करता हूँ कि इसी आकाश के नीचे इंसान और जानवर एक साथ शांति से रह सकते हैं। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, लेकिन यह भी भविष्य के लिए एक अच्छी बात है।